गड्डू क्या कहना चाहोगे? अच्छा फोन पे तो फोन काटो। तो गजब आदमी है यार, कोर्ट कहाँ चला है? देखो बात कुछ ऐसा है, इंडिया फाइनल खेलने वाले हैं और सामने है ऑस्ट्रेलिया, इस वजह से थोड़ा सा गन सॉरी मतलब ऐसा धक धक हो रहा है भाई लोग। तो बस इस धक धक को कम करने के लिए आज देखेंगे इस वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयर्स का फनी मोमेंट्स एंड थग लाइक मोमेंट्स। मतलब माहौल थोड़ा चिल रहना चाहिए ना। तो फर्स्ट क्लिप है रोहित भैया का, जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच के बाद हार्दिक सर से बाइसेप वाले इंसिडेंट पे बात कर रहे थे। और वो सेलिब्रेशन क्या था? अरे वो मुझे पूछ रहा था कि इतना लंबा चक्का कैसे मारते हो, ये तेरे बैट में ये है कुछ है, मतलब बैट की भाई पावर है। अपने रोहित भैया के लिए कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल चुप। तो नेक्स्ट क्लिप है समी सर की, जब साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद उनका काफी सैवेज रिएक्शन आया। ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया, न्यूजीलैंड को आपने हराया, साउथ अफ्रीका को आपने हराया, आपके और टीम कहाँ से लाए? चांद से लेके आओ टीम, नई टीम लेके आया क्या भाई? कौन बच्चा सबको हरा दिया आपने? हर बार 400 पार करने वालों का हाल देखो। समय में तो सही है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। चलो तू। तो नेक्स्ट क्लिप है हार्दिक सर की, तो चलो डायरेक्ट वीडियो ही देखते हैं। सिर्फ जा रहा है, कोई एकदम सरलता के साथ खेल रहा है, क्या रीजन है? क्या आप सिखा रहे हैं ऐसा हम लोग को कि हम किस तरीके से बल्लेबाजी कर पा रहे? सबको फ्रीडम दिया है इस बार। क्या बात कर रहे हो, वो तो सही बात है। उसका रीजन क्या है? तू बोला ऐसा खेलना चाहिए, तेरी सजेशन थी। मैंने ऐसा कब कहा था? देख रहे हो बलिदान हार्दिक भाई का बैटिंग टिप्स देके खुद बाहर चले गए। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो नेक्स्ट क्लिप है रोहित और सुमन भाई का, जब दोनों न्यूजीलैंड को हराने के बारे में बात कर रहे थे। तो अगले में पक्का समझे, पक्का 99% नहीं खेलते, पक्का समझ जाए। क्या बात कर रहे? तो नेक्स्ट क्लिप वही की है जब वो दोनों लॉर्ड शार्दुल के बारे में बात कर रहे थे। शार्दुल का बैटिंग सबको देखना भी है, मिलेगा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। तो नेक्स्ट क्लिप है सुमन सर, हार्दिक सर और सिराज सर का एक फनी मोमेंट, तो चलो वीडियो एंजॉय करो। जो आपने किया था पिछले मैच में नहीं बॉल पे क्या लग रहा था? नहीं स्विंग हो रहा नहीं था, तुझे नहीं हो रहा, तू मेरी नकल करता है। तो इसके बाद सूर्या भाई सिराज भाई के मजे लेने लगे। बेटा मस्ते नहीं। तो नेक्स्ट क्लिप ईशान भाई का एक हार्ट टचिंग रिप्लाई। अब अगली क्लिप है समी भाई का सैवेज मोमेंट, तो एंजॉय करो। आप यही सोच के चलते हो कि भाई जो मुझे आता है सीम पकड़ के डालना, ये कैसे कर पाते हो आप? नहीं पाजी, आता तो बहुत कुछ है लेकिन आता सब कुछ है लेकिन डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है। पांच विकेट को उसके बारे में तो बोलिए कुछ, उसके बारे में पूछ लो। बैटिंग थी तब फोक ज्यादा मैदान में रही, तो वो कहा जा सकता है कि बेनिफिट मिला है पहले गेंदबाजी करने का टीम इंडिया को? देखिए जीत जाए तो लोग यही कहते हैं, हार जाए तो फिर उल्टा चल देते हैं। मुझे थोड़ा सा पिच को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो क्या उस बात का इम्पैक्ट कहीं से था इंडियन टीम पर, इंडियन प्लेयर्स पर, आप लोगों की कुछ बात हुई थी? मुझे तो अभी पता लगा पिच के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने बताया अभी क्या कंट्रोवर्सी थी। रिपोर्टर से इतने फालतू क्वेश्चन कर ही रहे थे, एक क्वेश्चन सीरियस भाई के लिए भी था, तो उनका भी एक सैवेज रिप्लाई आया इसके ऊपर। हाउ गुड दे आर विद द शॉर्ट बॉल्स। When you say it's a problem for me, what do you mean? When I go to hit some shots, you are bound to get out and sometimes it may work, sometimes it may not. And majority of the times it hasn't worked for me. Maybe that's the reason you think it's a problem for me. But in my mind, I know there's no problem. अब सब रिपोर्टर्स की यही रहे हैं मजे कि अपने जड्डू भाई क्यों पीछे रहेंगे, उनके तरफ से भी एक सैवेज रिप्लाई आया। पेशेंस जो होते हैं मतलब थोड़ा और ओवर स्पिन थोड़ा, अब वो स्टीव स्मिथ के विकेट लेते हैं तो
उसके पहले आपको कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि आपकी कुछ बैट्समैन ट्राई कर रहा है तो अभी वो ज्यादा टर्न करने को ट्राई करता हूँ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ये बताऊंगा नहीं, आप इंग्लिश में छाप देंगे, सामने वाले समझ जाएंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।